हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है, वैदिक कल्चर के जो लोग थे उनको यमुना सरस्वती इन सब नदियों के बारे में जानकारी थी, पर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फैले नहीं थे। जैसे यमुना की बात करें और गंगा की बात करें, यहाँ नहीं थे। आज भी इंडस की मेन ट्रिब्यूटरी के आसपास समुद्र में इनको ज्ञान था, पर समुद्र जो था इनके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पानी का एकत्रीकरण हो, जैसे कोई झील तालाब पोखरा उसको भी समुद्री बोलते थे। तो ये समुद्र आज के वास्तविक समुद्र से रिलेटेड नहीं। स्नो माउंटेन को हिमवत बोलते थे, तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने स्नो कवर्ड देखा था जो सैंदव रीजन से रहते थे, तो उसके ऊपर अफगानिस्तान वगैरह के एरिया के आसपास जब हिंदू कुश माउंटेन से हर चीज देखे थे तो इन्हें दिखा। डेजर्ट भाई जहाँ रहते थे वहां पे मरुस्थल भी था, तो डेजर्ट को ये हवा बोलते थे। तो ये कहा जा सकता है सप्त सैंदव रीजन में रहते थे, क्योंकि सप्त सैंदव रीजन में ये सारी चीजें आपको अवेलेबल दिखती है। चीफ सोर्स आर्यन का क्या था, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर बेटा चार वेद है जो पहले पढ़ा, ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद है। वैदिक लिटरेचर को डिवाइन सोर्स बोला जाता है, इसीलिए नैदित्या बोला जाता है। इन्हें कोई लिख नहीं सकता था तो भाई सुनना ही पड़ेगा, तो इसे श्रुति साहित्य बोला जाता है, मतलब जिसको हम कानों से सुनेंगे और कंठस्थ करेंगे। वेद में सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सामवेद जो है वो इनकी प्रेयर्स के बारे में सारी चीजें बताता है। ओल्डेस्ट बुक म्यूजिक पर है। यजुर्वेद जो है वो हाइम्स कैसे होंगी, उनकी क्या परंपरा है, क्या रिचुअल्स है, उनकी बात करता है। अथर्वेद में जादू टोना वगैरह दिया गया है, बीमारी से कैसे बचेंगे, नजर कैसे रखती है, जादू टोना कैसे होता है, इसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो ये चार वेद हमें काफी चीजें इसके बारे में बेटा बता देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण्स आते हैं, जो ब्राह्मण्स हर एक वेद के साथ बेटा हमने अटैच किए हुए हैं। जब हर एक वेद के साथ अपने ब्राह्मण्स अटैच किए हुए हैं, तो ये क्या है, रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं कि समाज की मान्यता क्या है। ये बताते हैं कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो चीज कर रहे हो, उसे सामाजिक मान्यताएं कहाँ जा रही है, इसके बारे में सारी चीजें बताते हैं। अरण्यक मैंने आपको बताया जादू टोना होता है, जंगलों में किए जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। उपनिषद कमेंट्रीज है जो अरण्यक के साथ अटैच है, और ये फिलोसफिकल। तो अगर आप वेदों को समझना चाहते हैं तो अगर उपनिषद आप पढ़ लेते हैं तो आपको उनका पूरा सार पता चल जाएगा। ऋग्वेद जो है वो कंपाइल किया गया 1500 से 1000 BC के बीच में इसको कंपाइल किया गया माना जाता है। बाकी तीन वेद जो है वो 1000 से लेकर 600 BC में, यहाँ पर आपका ऋग्वेद कंपोज किया गया, बाकी तीन वेद यहाँ पे कंपोज किए गए। अब ये लोग आए कहाँ से थे, तो कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया, भाषा वाली श्रेणी है, लिंग्विस्टिक थे ये जो थे, ये अपनी भाषा से पहचाने जाते थे। कहा जाता है मध्य एशिया से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से आए व्यक्ति ये लोग हैं, ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज है, घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। पहली बार सेंट्रल एशिया ईरान में आए थे। इनके मंडल से कितने मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में से बेटा 2 से 7 को प्राचीन मंडल बोलते हैं, पहला 8वां 9वां 10वां जो है नवीन मंडल होता है। यह आप यही याद कर लीजिए, बाकी अभी आगे की स्लाइड में आपको मिलेगा। अब देखिए दूसरा मंडल जो है वो ग्रह संबंध की बात करता है, तीसरा मंडल आपसे पूछा जाता है, यह आपसे पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद 10वां मंडल आपसे पूछा जाता है, 7वां मंडल आपसे पूछा जाता है, और आपका सोमरस पूछा जाता है, बस। और कुछ पुरुषोक्त आपसे पूछा जाता है, सोमरस आपसे पूछा जाता है, वशिष्ठ का पूछा जाता है 10 राज युद्ध के कारण, और ये आपसे पूछा जाता है गायत्री मंत्र के कारण, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये सारे मंत्र याद कर लीजिए। तीसरा विश्वामित्र ने लिखा, उन्होंने गायत्री मंत्र, 7वां वशिष्ठ ने लिखा है, जिनके किनारे 10 राज युद्ध हुआ था। ये बैटल ऑफ टेन किंग में भरत क्लेम के राजा सुदास एक तरफ थे और बाकी साइड विश्वामित्र खड़े थे, 5 आर्य 5 अनार्य को लेकर। परशुणी जो आज रावी रिवर है उसके किनारे युद्ध हुआ था, ऋजुपालिका बोलते थे उसे पहले, तो वहां पर इनका युद्ध हुआ। अब उसमें ये हार गए, वो सारी चीजें यहाँ पर है। तो परशुणी नदी के किनारे ये होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। परशुणी नदी के किनारे क्या हुआ था, 10 राज युद्ध हुआ था जिसमें हार गए थे। और इसी तरह भारतवर्ष नाम भरत क्लेम के नाम पर पड़ा ये कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है 10 राज युद्ध कौन से मंडल में, तो 7वें मंडल में। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, 3रे मंडल में। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था पहली बार दिखती है पुरुषोक्त में, जो ब्रह्मा के हाथ पे सबकी बात की जाती है। मुख से ब्राह्मण निकले हैं, बाजुओं से क्षत्रिय निकले हैं, जांघों से वैश्य निकले हैं, और पैरों से शूद्र निकले हैं। इसके बाद यहाँ पर लाइफ फ्रेम की कंस्ट्रक्शन इसी से करते हैं। शूद्र ऋग्वेद के अंत में 10वें मंडल में दिखते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आता है, इसमें टोटल कितने श्लोक हैं, 1017 प्लस 11 बालिक के लिए, टोटल मिला के कितने हो गए, 1028, जिसमें 11 बालिक के लिए श्लोक हैं। इनकी भाषा जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से मिलती हुई है, इनके देवता भी उनसे मिलते हुए दिखते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है जो 3रे मंडल में है, और ये सावित्री देवी जो प्रातःकाल की देवी होती है उनके, और संध्याकाल की देवी उनके लिए।
देखिए कहा जाता है गायत्री मंत्र कब पढ़ना चाहिए, तो जेन्युइनली आपको बता दें बच्चों, गायत्री मंत्र रात में नहीं पढ़ा जाता। गायत्री मंत्र सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में पढ़ा जाता है। कुछ लोग बहुत काबिल हैं, पिक्चरों में भी हर जगह रात में पढ़ते हैं, तो रात में गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य से रिलेटेड है। तो सूर्य से रिलेटेड चीज, जब सूर्य भगवान की पूजा सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले तो आप नहीं करते ना, कि आपको रात को 2:30 बजे सूर्य भगवान को जल देना तो पश्चिम दिशा में बैठ के दे दोगे कि कहीं तो वही होगा सूर्य, ऐसा नहीं। तो इस आइडियोलॉजी को आपको बदलना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने कभी कहा कि सर सूर्य की पूजा आदि से स्टार्ट करनी, तो कहते पश्चिम दिशा में बैठ के पूजा करो रात को। तो मतलब उनके हिसाब से ये कि भैया पूरब में सूरज नहीं उग रहा, आपके यहाँ तो कहीं तो उगा होगा, तो पश्चिम दिशा बैठ जाओ तो सूरज आपको दिख जाएगा। बट ये इलॉजिकल होता है, बट ऐसी चीजें यहाँ पर है, तो गायत्री मंत्र रात को नहीं पढ़ना चाहिए। बट हमारे देश में बहुत कुछ बदल चुका है, उसमें ये भी बदल चुका है। इसके बाद 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया, जो जाति व्यवस्था की बात करता है, जो ऋग्वेद है वो अवेस्ता ईरान की पुस्तक है, उससे बहुत ज्यादा मेल खाता है। अलियर संस्कृप्शन मिलता है 2200 BC में, जिसमें इंद्र वरुण इन सब देवताओं की कसम खाता है वहाँ का राजा राज्य संभालने से पहले। और 1500 BC में आर्यन भारत अपीयर होते हैं, या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया तक पंजाब और उत्तर प्रदेश पश्चिम में रहते हैं, सबसे अंदर रीजन पहले बता चुका। कुछ रिवर अफगानिस्तान की कुभा वगैरह को इंडस के साथ जोड़ा गया है, इंडस रिवर सबसे ज्यादा यूज हुई है। तो ऋग्वैदिक काल भी कहाँ था, सिंधु नदी के किनारे था। सरस्वती को नदी तारा या नदी रत्ना बोला जाता है, सरस्वती को गगर आगरा आज की डेट में बोला जा सकता है। और आर्यन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ पे रहने वाले दस्युज या दसास से, जिन्हें अनार्य बोला है उन्होंने, इनसे इनका डिस्प्यूट हुआ और ये इसके साथ रहे और यहाँ पर इनकी लड़ाई होती रही। इसके बाद कहा जाता है कि भरत क्लेन के राजा थे देवदास, जिसे है ना चीफ गॉड देवदास ऑफ भरत क्लेन, यहाँ पे इनके बारे में बात की गई है। तो कहते हैं संभारा एक थे, डिफीट हुई थी उनके किससे, चीफ से। इसके बाद इनका इनहेबिटेंट्स भरत क्लेन का बन गया, इन्हीं के मेन राजा बाद में एक सुदास आते हैं जिससे बैटल ऑफ टेन किंग्स आती है। तो यहाँ से इनके बारे में हिस्ट्री आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर पुरानी और नई रिवरों के नाम कैसे हैं उनके बारे में लिखा है। यह आपका रट्टाफिकेशन ये रख लीजिए, और यह आपका रट्टाफिकेशन है बैटल ऑफ टेन किंग्स, जिसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसमें मुझे दोबारा बताने की कोई जरूरत है नहीं। अब जाहिर सी बात है, आर्यों के जीतने का कारण था घोड़ा। 5 ट्राइब को पंचजना बोला जाता था। आर्य आपस में लड़ते थे किसके लिए, गाय की खोज में। तो यहाँ पे युद्ध को बोलते हैं गवेष्टी, गाय की खोज को गवेष्टी बोलते हैं। एक बहुत फेमस बैटल थी, ठीक है, तो 10 राजयुद्ध जो आपको बता दिया यहाँ पे भी लिखिए, इसको यहाँ से जोड़ देना, ठीक है। भरत क्लेन के साथ कौन कौन था, वशिष्ठ विश्वामित्र, उनके बारे में सारी चीजें लिखी हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वही लिखी हैं, तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चैन से बैठ के पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट आएगा तो ये मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बेटा मेटेरियल लाइफ की अगर बात करेंगे, तो मेटेरियल लाइफ में क्या था, भूरी वाला पहिया यूज करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब पहिए का संज्ञान था, उसको अलॉय करना सीख चुके थे, उसको बैलेंस करना सीख चुके थे। प्लॉगशेयर लकड़ी का हल बनने लगे थे, जो कृषि के बारे में दिखाते हैं कि ये चरवाहे और कृषि दोनों चलाते थे, पर ये कैसी है पशुपालक समाज है आज भी। गाय का प्रमुख एक्सचेंज का साधन था, गविष्टी इसीलिए एक वर्ड है जो यूज किया जाता है। गाय से बहुत कुछ डाला गया, जैसे गो माता, दोहित्री, गोहना। दोहित्री मतलब गाय को धोने का काम महिला करती थी, पुत्री करती थी दोहित्री। गोमत वैदिक पर्सन के लिए, गैस और गोत्र, ये सारी चीजें यहाँ पर दी है। गाय को अरण्या बोला गया है, जिसको मारा ना जा सके। यहाँ पर मेंशन किया गया अयस, अयस शब्द जो यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया, कॉपर और कांसे के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी लोहे का प्रयोग नहीं दिखा, यहाँ पर अभी भी लोहे का प्रयोग आपको नहीं प्रेजेंस दिखता कि यहाँ पर लोहा हो, इसका कोई प्रयोग आपको नहीं दिखता। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग आज भी नहीं किया जा रहा था। अयस प्रयोग किसके लिए किया गया, कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए, ठीक है। इसके आगे अभी ट्राइबल पॉलिटी पढ़नी है, ये हम एक छोटे से पार्ट के बाद ब्रेक लेके फिर से पढ़ते हैं, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। इस लेक्चर को भी यहाँ तक देखिए, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, 5-10 मिनट में हम आगे बढ़ेंगे।